केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 10वीं की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा फिर से आयोजित कराएगा। हाल ही में खत्म हुए एग्जाम में इन विषयों के पर्चे लीक होने की खबर आई थी। पेपर लीक की खबरों के बीच CBSE ने बुधवार को इन दो विषयों की परीक्षा फिर से कराने की घोषणा की है। बता दें कि बोर्ड ने फिलहाल दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बोर्ड का कहना है कि एक हफ्ते के भीतर वो नई तारीखों का ऐलान कर देगी, यानी दोनों परीक्षाएं CBSE कब कराएगी ये हफ्ते भर में मालूम चल जाएगा। ऐसे में छात्रों के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है, तो स्कूल प्रशासन के लिए ये जिम्मेदारी बड़ी है कि वो छात्रों को बोर्ड की तरफ से आए इस फैसले पर जल्द सूचित करें। CBSE बोर्ड का 12वीं इकोनॉमिक्स का पर्चा 27 मार्च और 10वीं गणित का पेपर 28 मार्च को हुआ था। परीक्षा को लेकर ये बात सामने आई थी कि कुछ छात्र के पास व्हाट्सएप पर एक दो दिन पहले ही पेपर आ गया था। इसको लेकर कई अभिभावकों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में इस साल देश भर में 28 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 16 लाख 38 हज़ार छात्रों ने 10वीं और 11 लाख 86 हज़ार परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा में बैठे थे। इस तरह के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप अपने वीडियोस और आइडियाज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।